सभी बालकों और बालिकाओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द असाइनमेंट विच इज पब्लिश्ड बाय छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर एंड दिस इज द असाइनमेंट ऑफ मंथ फरवरी एंड दिस इज असाइनमेंट नंबर 6। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या सवाल आपसे पूछे गए हैं एंड आपको उनका आंसर कैसे लिखना है एंड वी विल डिस्कस दीज आंसर्स वेरी डीपली, बहुत ही गहराई में हम लोग उन आंसर्स को समझेंगे। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज मीन बाय मास डिफेक्ट, एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन मास डिफेक्ट एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी एंड हैंस राइट द एक्सप्रेशन फॉर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस द कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। सपोज कि ये रहा एक न्यूक्लियस, आपके पास एक न्यूक्लियस है, ओके। हाउ द न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड, न्यूक्लियस कैसे बनता है? न्यूक्लियस बनता है दो चीजों के मिलने से, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। सो मान लीजिए कि इस न्यूक्लियस में जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं एंड व्हाट इज जेड, जेड इज एक्चुअली द एटॉमिक नंबर, ओके, एटॉमिक नंबर, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज एटॉमिक नंबर एंड न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? तो इसको थोड़ा अलग तरीके से समझना पड़ेगा। इफ जेड इज द एटॉमिक नंबर एंड ए इज द मास नंबर, सो व्हाट इज ए, ए इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो व्हाट विल बी द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे? ए माइनस जेड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर देयर। क्या ये क्लियर है? जेड इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ए माइनस जेड इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और अब मान लो आप, अब मान लीजिए, सपोज करिए कि एक प्रोटॉन का मास एम पी है, एक प्रोटॉन का न्यूट्रॉन का मास, एक न्यूट्रॉन का मास एम एन है, तो व्हाट विल बी द टोटल मास ऑफ दैट जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सो दिस विल बी जेड इंटू एम पी, व्हाट विल बी द टोटल मास ऑफ दैट ए माइनस जेड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सो इट विल बी ए माइनस जेड इंटू एम एन, ओके। जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, ए माइनस जेड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, अगर एक प्रोटॉन का मास एम पी है, एक न्यूट्रॉन का मास एम एन है, तो एम पी विल बी द जेड इंटू एम पी, जेड इंटू एम पी विल बी द टोटल मास ऑफ द प्रोटॉन्स, ए माइनस जेड इंटू एम एन विल बी द टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो अब बताओ न्यूक्लियस का टोटल मास कितना होना चाहिए? न्यूक्लियस जो है जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और ए माइनस जेड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स से मिलकर बना है, तो न्यूक्लियस का टोटल मास कितना होना चाहिए? आपका जवाब होगा, सब बहुत साफ है, न्यूक्लियस का टोटल मास जेड एम टाइम्स पी प्लस ए माइनस जेड एम एन टाइम्स होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, जब भी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कंबाइन होकर न्यूक्लियस बनाते हैं तो न्यूक्लियस का मास, न्यूक्लियस का मास उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, मतलब उसको बनाने वाले जो पार्टिकल्स हैं, उससे हमेशा कम होता है। यस, ध्यान दीजिए क्या बोल रहा हूं मैं, कि न्यूक्लियस का जो मास है उसको बनाने वाले जो पार्टिकल्स हैं, मतलब जो पार्टिकल्स उसको मिलकर बना रहे हैं, उन पार्टिकल्स के टोटल मास हमेशा कम होता है। इट मीन्स जेड इंटू एम पी प्लस ए माइनस जेड इंटू एम एन, दिस इज द टोटल मास ऑफ दोज पार्टिकल जो उस न्यूक्लियस को फॉर्म करते हैं। तो आपको अगर ये m न्यूक्लियस का मास है, तो ये जो m होगा इन दोनों के सम से हमेशा कम ही होता है, और इन दोनों में जो डिफरेंस है, अब समझेंगे आप, इन दोनों में जो डिफरेंस है इसी को कहते हैं मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट। सो यू कैन डिफाइन द मास डिफेक्ट इन दिस वे, इस तरीके से आप मास डिफेक्ट को डिफाइन कर सकते हो, ओके। यहां पे द लिखा हुआ है ये, ओके। सो द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द मासेज ऑफ द न्यूट्रॉन्स, सम ऑफ द मासेज ऑफ द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स फॉर्मिंग द न्यूक्लियस एंड मास ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। डिफरेंस बिटवीन द मासेज ऑफ दिस माइनस मास ऑफ द न्यूक्लियस, सो दिस इज मास डिफेक्ट, ओके। तो अब हम लोग बात करते हैं बाइंडिंग एनर्जी की।
अगर आपको बाइंडिंग एनर्जी समझना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड मास एनर्जी इक्वलेंस, द फेमस ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। वी नो दैट, सबने ये देखा है यार, इसको देख के एक अलग ही फीलिंग आती है, जिसको कुछ नहीं आता फिजिक्स में उसको इतना तो आता है ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर बता देता है, भले से ये क्या है क्या नहीं है वो नहीं बता पाएगा, लेकिन ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर अच्छा लगता है। द फेमस मास एनर्जी इक्वलेंस ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, दिस इज द इक्वेशन गिवन बाई अल्बर्ट आइंस्टाइन इन हिज फेमस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ही का ही एक पार्ट है, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन और अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, मास कैन बी कन्वर्टेड इन टू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इन टू मास। इट मीन्स एनर्जी एंड मास बोथ आर द एक ही सिक्के के दो पहलू, ठीक है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मास एंड एनर्जी आर द डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ द सेम थिंग, एक ही चीज के दो पहलू है। एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए आपको बस इतना ही समझना है, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर के अकॉर्डिंग मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है और एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकता है। और अब हम लोग आते हैं व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी। अभी हमने देखा था कि जब प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स यानी कि न्यूक्लियॉन्स मिलकर कंबाइन होकर न्यूक्लियस बनाते हैं तो न्यूक्लियस का मास उसको ही बनाने वाले जो पार्टिकल्स हैं यानी जो न्यूक्लियॉन्स हैं उन न्यूक्लियॉन्स के टोटल मास हमेशा कम होता है, यानी मास में कमी आती है, मास जो है वो मास के थोड़ा लॉस हो रहा है, वो मास जा कहां रहा है। नाउ वी विल एक्सप्लेन दैट डिक्रीज इन मास डेल एम। ये जो डेल एम है हम लोग बोलते हैं दिस डेल एम इज रिलीज्ड इन फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय दिस इक्वेशन। ये एनर्जी वो जो मास का डिफेक्ट आया है, मास में जो कमी आया है वो एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हो जाता है टू कंबाइन दोज न्यूक्लियॉन्स। उन न्यूक्लियॉन्स को कंबाइन करने के लिए एनर्जी चाहिए होता है, तो कुर्बानी दी जाती है मास की कुर्बानी देकर सैक्रीफाइस करना होता है मास को। अगर कुछ खोओगे नहीं तो कुछ पाओगे नहीं। तो कंबाइन होकर न्यूक्लियस जब बनाना है, न्यूक्लियॉन्स जब कंबाइन होकर न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं तो उनका जो मास डिक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियस का मास डिक्रीज हुआ ना, मास में जो कमी आई है वो मास किसके फॉर्म में, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग एनर्जी के फॉर्म में रिलीज होता है। और उस मास के करस्पॉन्डिंग में जो एनर्जी है दैट इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। ओके, तो हम लोग बाइंडिंग एनर्जी का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा लिख सकते हैं, बोला है क्वेश्चन में लिखिए। सो ई बी फॉर बाइंडिंग एनर्जी डेल एम द मास डिफेक्ट सी स्क्वेयर। ओके, ई बी इज इक्वल टू डेल एम टाइम्स सी स्क्वेयर। ई बी इज इक्वल टू डेल एम टाइम्स सी स्क्वेयर। सो व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी, देखो यहां पे कुछ अलग ही डेफिनेशन है, अभी मैं आपको कुछ अलग ही डेफिनेशन बता रहा हूँ, दोनों का मतलब एक ही है, आप कोई सा भी डेफिनेशन लिख सकते हो, ठीक है, मैं कोई भी चीज छोड़ना नहीं चाह रहा। सो व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी, द एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट के इक्विवेलेंट में जो एनर्जी है बाय दिस इक्वेशन, मास डिफेक्ट के इक्विवेलेंट में जो एनर्जी है दैट इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। एंड दिस इज द एनर्जी विच इज बाइंड्स द न्यूक्लियॉन्स, जो न्यूक्लियॉन्स को बांध के रखा है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। एंड नाउ अब अगर आप देखो न्यूक्लियॉन्स ने मिलकर न्यूक्लियस फॉर्म कर दिया और उसके लिए उन्होंने कुछ कुर्बानी भी दे दी डेल एम जो कि एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हुआ था, ई बी इज इक्वल टू डेल एम सी स्क्वायर। एंड नाउ अगर आपको उस न्यूक्लियस को फिर से क्या करना है, डिकम्पोज करना है, सो यू हैव टू सप्लाई सॉरी यू हैव टू प्रोवाइड एक्सटर्नल एनर्जी। अगर आप उस न्यूक्लियस को फिर से तोड़ना चाहते हैं तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। एंड नाउ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक और द डिकम्पोज द न्यूक्लियस दैट इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। भाई जितना एनर्जी वहां पर रिलीज हुआ था न्यूक्लियस को बनाने के लिए, कम से कम आपको उतना एनर्जी तो देना ही पड़ेगा न्यूक्लियस को डिकम्पोज करने के लिए। ओके, सो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस इज द एनर्जी विथ विच न्यूक्लियॉन्स आर बाउंड इन द न्यूक्लियस। ओके, यही तो एनर्जी है जैसे कि न्यूक्लियॉन्स
न्यूक्लियस में बाइंडेड है. इट इज मेजर्ड बाय द वर्क और द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू डन टू सेपरेट द न्यूक्लियस एंड इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस सो दैट दे मे नॉट इंटरेक्ट विथ इच अदर. इच अदर कहने का मतलब यही है कि न्यूक्लियस को अगर आपको पीछे डिकम्पोज करना है, अलग अलग करना है, तो कम से कम जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी दैट इज नोन एज न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी. एंड नाउ मान लीजिए कि किसी भी न्यूक्लियस में देयर आर ए नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, कैपिटल ए नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, और उस न्यूक्लियस का टोटल बाइंडिंग एनर्जी ई बी है. ई बी द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए नंबर ऑफ न्यूक्लियंस. सो अच्छा, इसको तो नेक्स्ट में बताना है आपको, क्योंकि आपसे पूछा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है. बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस समझ लीजिए, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस इट इज द एवरेज एनर्जी वी हैव टू स्पेंड टू रिमूव अ न्यूक्लियन फ्रॉम द न्यूक्लियस टू इनफाइनाइट डिस्टेंस. इट इज गिवन बाय द टोटल बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय द मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस. सो व्हाट विल बी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैसे आप बोलेंगे? टोटल बाइंडिंग एनर्जी, टोटल बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय कौन सा नंबर? मास नंबर. यही तो है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, मास नंबर. सो ई बी एन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ई बी अपॉन ए. ओके, तो कोई इसमें मुश्किल नहीं है, बस इतना ही एक्सप्रेशन आपको लिखना है. चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. ओके, नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर टू. व्हाट इज पीएन जंक्शन डायोड? राइट द नेम ऑफ डिवाइस एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम. एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ वर्किंग बाय मेकिंग इट सर्किट डायग्राम. सो बताना ये एक्स क्या है. तो एक्स बताने से पहले, एक्स को बताने से पहले, व्हाट इज पीएन जंक्शन डायोड? वी नो दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर. सो व्हेन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर क्रिस्टल इज ब्रॉट इनटू क्लोज कॉन्टैक्ट विद एन एन टाइप सेमीकंडक्टर क्रिस्टल द रिजल्टिंग अरेंजमेंट इज कॉल्ड पीएन जंक्शन डायोड और सिंपली जंक्शन डायोड. जब पी टाइप के सेमीकंडक्टर को एन टाइप के सेमीकंडक्टर के साथ जोड़ा जाता है तो ये जो एक कॉम्बिनेशन बना है, जो जंक्शन बना है, दैट इज नोन एज पीएन जंक्शन डायोड. एंड नाउ व्हाट इज दिस एक्स? ये एक्स क्या है समझ लीजिए आप. व्हाट इज दिस एक्स? तो आपको समझना पड़ेगा कि ये एक्स है क्या. इधर का सिग्नल दिस इज एसी सिग्नल, दिस इज एसी सिग्नल बिकॉज टाइम के साथ मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है एंड साथ में डायरेक्शन भी चेंज हुआ है. बट इधर जो सिग्नल है इसका टाइम के साथ बस मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है. यानी कि एसी जो है किस में चेंज हुआ है? डीसी में. और अब आपको पता होगा एसी को डीसी में चेंज करने वाला जो डिवाइस है उसे हम कहते हैं रेक्टिफायर. रेक्टिफायर, रेक्टिफायर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट एसी टू डीसी. अल्टरनेटिंग सिग्नल को डायरेक्ट करंट यानी डायरेक्ट सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं दैट इज रेक्टिफायर एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज रेक्टिफिकेशन. सो रेक्टिफायर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज इंटू डायरेक्ट करंट और डायरेक्ट वोल्टेज. सो दिस इज रेक्टिफायर. मिल गई आपको आपका आपकी एक्स. ओके, एंड नाउ दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ पीएन जंक्शन डायोड. सर्किट डायग्राम ऑफ पीएन जंक्शन डायोड विच इज यूज्ड एज रेक्टिफायर. तो ये पीएन जंक्शन डायोड ये बच्चा जो कि किसके जैसा यूज हो रहा है अभी? रेक्टिफायर की जैसा यूज है. तो देखो बहुत ही छोटा सा एक्सप्लेन करूंगा, बहुत मुश्किल नहीं है. ये यहां पे है इनपुट, इनपुट सिग्नल, इनपुट सिग्नल और आपको यहां पे मिलेगा आउटपुट. दिस इज इनपुट एंड दिस इज आउटपुट. सो वी हैव टू क्वायर्स, वन इज प्राइमरी क्वायर, दिस इज सेकेंडरी क्वायर एंड दिस एक्चुअली दिस इज अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. ये जो दिख रहा है ये जो एक कपलिंग है, एक ट्रांसफार्मर, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है. प्राइमरी क्वायर, सेकेंडरी क्वायर एंड द सिग्नल विच हैज टू बी कन्वर्ट इज अप्लाइड बिटवीन
प्राइमरी क्वाइल, प्राइमरी क्वाइल पे सिग्नल को आप अप्लाई करोगे एनोड या टू डायोड D1 एंड D2 एंड दिस इज द लोड रेजिस्टेंस जहां आपको आउटपुट मिलने वाला है। बहुत ही बेसिक सा एक वर्किंग है, ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, आपको पता ही है। देखो क्या होगा, ये जो इनपुट, अच्छा यहां पे तो दिया है, अच्छा ये तो टेढ़ा है, एक मिनट सीधा करने दो मुझे इसको, इसको समझ लीजिए आप। ओके ये है इसका वेव फॉर्म। तो पहले हम लोग बात करते हैं ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी, ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी, मान लो दिस इज द प्राइमरी कॉइल, इसका ये जो एंड है नेगेटिव है, नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। नाउ जब वहां पर इंडक्शन होगा, म्यूचुअल इंडक्शन होगा, तो दिस विल बी सेकेंडरी जो कॉइल है उसका ये एंड पॉजिटिव हो जाएगा और ये एंड नेगेटिव हो जाएगा। उस कंडीशन में D1 विल बी इन फॉरवर्ड बायस एंड D2 विल बी इन रिवर्स बायस। एंड मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा व्हाट इज फॉरवर्ड बायस, व्हाट इज रिवर्स बायस। सो डायोड D1 फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, डायोड D2 रिवर्स बायस में हो जाएगा। तो द करंट विल फ्लो, D1 कंडक्टिंग स्टेट में होगा, D2 नॉन कंडक्टिंग स्टेट में होगा, फॉरवर्ड बायस में ही करंट फ्लो होता है डायोड से, रिवर्स बायस में फ्लो होने का अलग कंडीशन है। ठीक है, तो अभी डायोड D1 फॉरवर्ड बायस में है तो करंट विल फ्लो फ्रॉम दिस डायरेक्शन इधर से इधर की ओर आएगा, D2 से करंट अभी नहीं आ रहा है। बट इन द, अच्छा तो आपको ऐसा आउटपुट मिलेगा। ठीक है, द डायरेक्शन इज लाइक दिस, सो दिस इज द वेव फॉर्म। एंड नाउ ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी, ये जो नेगेटिव था अब तो पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव था वो तो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहां पे जो इंडक्शन से जो प्रोड्यूस होगा वो भी उल्टा हो जाएगा, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव। सो इन दिस कंडीशन ये डायोड D1 है, उसका पी माइनस से जुड़ा है और ये इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे किसे जुड़ा है, पॉजिटिव से जुड़ा है। तो डायोड D1 विल बी इन रिवर्स बायस एंड डायोड D2 विल बी इन फॉरवर्ड बायस। सो अगेन बहुत ही सिंपल सा है, D1 नॉन कंडक्टिंग स्टेट में चला गया, D2 कंडक्टिंग स्टेट में है क्योंकि फॉरवर्ड बायस में है। तो आपको ये जो आउटपुट है, अगेन द डायरेक्शन ऑफ द करंट विल बी सेम, यहां से करंट होता हुआ आपको इधर से इधर ही मिलेगा, यानी कि आपको करंट ऐसा ही मिलेगा। सो आपका जो इनपुट सिग्नल है उसके पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए या नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए जो आउटपुट करंट है उसका डायरेक्शन सेम ही है, यानी किस में कन्वर्ट हो गया भाई, ये हो गया कन्वर्ट DC में। ओके सो ये वर्किंग आप यहां से लिख सकते हैं, पूरा यहां पे आंसर आपके लिए लिख दिया है, तो कोई टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है, ये आंसर आप यहां से लिख सकते हैं। ओके वर्किंग बहुत ही आसान है पीएन जंक्शन डायोड का, एज अ रेक्टिफायर कोई मुश्किल नहीं है। एंड नाउ एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ ब्रॉडकास्ट एंड हाइट ऑफ एंटीना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये चैप्टर 15 से, कम्युनिकेशन सिस्टम है उस चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या यूं कहें कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ ब्रॉडकास्ट एंड हाइट ऑफ एंटीना इन स्पेस वेव प्रोपगेशन। तो चलो भाई सॉल्व करते हैं, ये भी पता नहीं कौन सा डायरेक्शन है, पतंग नहीं है ये, पहली दफा देखने पे लगता है कि ये पतंग है, लेकिन बच्चा ये पतंग नहीं है। देखो क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर, आराम से समझिएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कि चलो ये ओ जो है, ओ इज द सेंटर ऑफ अर्थ, और ये जो दिख रहा है रेड कलर में जो भी मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये अर्थ का कर्वेचर है जो आपको जनरली डे टू डे लाइफ में नहीं दिखेगा, लेकिन हैट होना कर्वेचर, तो ये कर्वेचर हो गया। और मान लेते हैं कि दिस इज द रेडियस, मान क्या लेते हैं ए रेडियस है, दिस इज रेडियस आर, तो यहां पे ओ बी इज द रेडियस, ओ बी इज द रेडियस आर, और आर के लिए आपको पता है यहां पे अभी हम लोग पुट नहीं करेंगे, न्यूमेरिकल की बात नहीं हो रही है। तो ये आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ। एंड अब मान लो कि इसी बी पे क्या है, एक एंटीना है, टीवी टावर है जिसका हाइट h है, ए बी इज द टीवी टावर एंड लेट्स इट्स हाइट इज h, तो इसको मैं दिखा रहा हूं आपको ग्रीन कलर में, ये जो दिख रहा है ये टीवी टावर हो गया। ओके दिस इज टीवी टावर, टीवी टावर, टीवी टावर, टीवी टावर, दिस इज टीवी टावर h, इसका हाइट h है। ओके एंड नाउ ये टीवी टावर या जो एंटीना है कहां तक सिग्नल ट्रांसमिट कर पाएगा, देखिए होता ये है, और सिग्नल ट्रांसमिट कर ही दिया है, लेकिन ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ
अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे पता चलेगा कि ये सिग्नल यहाँ पर ओके ऑप्टिकल आ जाएगा ना, अर्थ के कर्वेचर की वजह से अर्थ के सरफेस बीच में आ जा रहा है और सिग्नल भी जो है उसके पार नहीं जा पाएगा ओके। तो अरे नहीं नहीं पूरा तो सिस्टम ही लग गया, तो नहीं नहीं ऐसा मत करो यार, ऐसा मत करो भाई, अरे गलती हो गई। चल यार आ जा, ऑटो डिलीट हो जा, मैं हर चीज बना देता हूँ दोस्त। चलिए तो ये मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ और इधर से भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ ओके। तो ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये टेंजेंट ड्रॉ किया गया है इन ऑल डायरेक्शन। अब ऐसा नहीं है कि ऐसा है, ये पूरा एक कोन बन जाएगा, ये जो बनेगा यहाँ से आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे पूरा एक कोन बनेगा ना। तो लेट्स कि ए से क्यू और ए से पी आर द टेंजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, तो आपका जो सिग्नल है कहाँ तक जा पाएगा इस एंटीना के थ्रू, यहाँ तक क्यू तक और यहाँ तक पी तक। तो अगर हम लोग अर्थ के सर्फेस पे उसका डिस्टेंस लेते हैं तो लेट्स कि ये डिस्टेंस कितना है, डी है, डी है। सो बी क्यू इज इक्वल टू बी पी इज इक्वल टू डी एंड दिस इज द डिस्टेंस एट विच द सिग्नल, कहाँ गया सिग्नल की बात हो रही है, द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द ब्रॉडकास्ट, मैक्सिमम जो है डिस्टेंस इस मैक्सिमम डिस्टेंस तक सिग्नल जा पाएगा। तो चलिए देखते हैं कि मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होगा या कितना हो सकता है। तो बहुत आसान है, दो राइट एंगल ट्रायंगल की बात और कहानी खत्म, टाटा बाय बाय फिनिश हो जाएगा। सबसे पहले आप बात करिए राइट एंगल ट्रायंगल ए बी पी की, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी पी और जहां पर भी राइट एंगल ट्रायंगल हो सबसे पहला जो एक चीज है जो आपको अप्लाई करना है पाइथागोरस थ्योरम। तो भाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम तो लगा दो यहां पे, पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा भाई, एपी का स्क्वायर इज इक्वल टू एबी का स्क्वायर प्लस बीपी का स्क्वायर, एपी स्क्वायर इज इक्वल टू एबी स्क्वायर प्लस बीपी स्क्वायर। व्हाट इज एबी, व्हाट इज एबी, एबी इज एच स्क्वायर, व्हाट इज बीपी, दिस इज डी स्क्वायर, व्हाट इज एपी, दिस इज द एपी स्क्वायर। तो एपी स्क्वायर ही है अभी तो फिलहाल। सो एपी इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, एपी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एंड नो वी हैव, अच्छा आपको यहाँ पे 90 डिग्री कहाँ है बच्चा, ये 90 डिग्री है ना, भूलना नहीं, ये ऐसा है, ये ऐसा दिख रहा है लेकिन ये ऐसा है ओके। चलिए अब हम लोग बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल ए पी ओ की, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए पी ओ अगेन पाइथागोरस थ्योरम। सो दिस इज 90 डिग्री तो इसके सामने में ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। सो ए ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी का स्क्वायर प्लस पी ओ का स्क्वायर। व्हाट इज ए ओ, ए ओ को अपन लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, स्क्वायर नहीं आर प्लस एच का स्क्वायर, बहुत जल्दी है तुमको, आर प्लस एच का स्क्वायर। और ए पी, ए पी देखो ए पी का स्क्वायर क्या है, ए पी का स्क्वायर हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एंड व्हाट इज पी ओ स्क्वायर, पी ओ दिस इज आर स्क्वायर। देख लीजिए आप डायग्राम को सॉल्व कर लो, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस टू आर एच इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कटेगा आर से आर स्क्वायर कट गया, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट गया, तो बचा क्या, बचा है डी स्क्वायर इज इक्वल टू टू आर एच ओके। सो डी इज इक्वल टू रूट ओवर टू आर एच, तो दिस इज द डिस्टेंस एट विच द सिग्नल इज, द सिग्नल कैन ब्रॉडकास्ट बाय दिस एंटीना ऑफ हाइट एच। सो दिस इज प्रोपोर्शनल टू रूट एच ओके, दिस इज प्रोपोर्शनल टू रूट एच, तो आपको यह डिराइव करना है ओके। अगर एच हाइट का एंटीना है तो इस मैक्सिमम डिस्टेंस तक वो सिग्नल जो है ब्रॉडकास्ट कर सकता है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे आपसे एक सवाल, एक न्यूमेरिकल ही पूछा है, क्या है न्यूमेरिकल, अ ट्रांसमिटिंग एंटीना एट द टॉप ऑफ अ टावर हैज हाइट 32 मीटर एंड हाइट ऑफ द रिसीविंग एंटीना। तो देखो ये जो एच टी लिख रहा हूँ ये ट्रांसमिटिंग एंटीना है, तो सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा है, कितने का है ये 32 मीटर का,
हाइट ऑफ रिसीविंग एंटीना, इसको एच आर ले लीजिए, एच आर इज इक्वल टू 50 मीटर है, अर्थ का रेडियस आपको पता ही है, उसे गिवन भी है, 6400 किलोमीटर है, 6400 किलोमीटर है, ओके। तो सर इससे पहले कि आप ये समझें, व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन देम फॉर सेटिस्फैक्टरी कम्युनिकेशन इन एलओएस मोड गिवन रेडियस ऑफ वोल्टेज इतना, तो समझो होता क्या है, इस डायग्राम को समझो, डायग्राम को समझो और काम बन जाएगा। हिंदी में लिखा है कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज ट्रांसमिटिंग एंटीना, जिसको यहां पे प्रेशर एंटीना लिखा है, दिस इज ट्रांसमिटिंग एंटीना एंड दिस इज रिसीवर एंटीना। तो अभी आपने देखा है कि सिग्नल जो ट्रांसमिट करेगा मैक्सिमम कितना दूर तक रिसीव कर पाएंगे आप, यहां तक, दिस इज डीटी, डीटी और डीटी क्या हो जाएगा, अभी फॉर्मूला डिराइव किया है, ये हो जाएगा रूट ओवर 2RHT। और ये जो रिसीविंग एंटीना है, अल्ट का कर्वेचर एक्चुअली बीच में आ जा रहा है ना, तो यहां से यहां तक सिग्नल, और ये जो है एंटीना है यहां से यहां तक रिसीव कर पाएगा, इसको आप DR बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा रूट ओवर 2RHR। तो इन दोनों एंटीना के बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस आपसे पूछा है कि मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है, तो यार दोनों एंटीना के बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है, रूट ओवर 2RHT प्लस रूट ओवर 2RHR, रूट ओवर 2RHT प्लस रूट ओवर 2RHR। आपको कुछ नहीं करना, HT की वैल्यू रखिए, HR की वैल्यू रखिए, R की वैल्यू रखिए, लेकिन R यहां पर किलोमीटर में है, उसको मीटर में कन्वर्ट करके रखना, और जब सॉल्व करोगे तो आंसर आपको 45.5 किलोमीटर के आसपास मिलेगा। यह आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। R की वैल्यू रखिए, R की वैल्यू, HT की वैल्यू, HR की वैल्यू, ओके। तो आपसे पूछा है कि भाई दोनों एंटीना के बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है कि सेटिस्फैक्टरी हम लोग वहां पर कम्युनिकेशन कर पाए। चलिए बात करते हैं व्हाट इज नैंड गेट, व्हाट इज नैंड गेट नहीं, व्हाई नैंड गेट इज नोन एज यूनिवर्सल गेट, ठीक है ना। यूनिवर्सल गेट क्यों बोला जाएगा, तो बहुत ही सिंपल सा जवाब है, सबको पता है व्हाट व्हाई नैंड गेट इज नोन एज यूनिवर्सल गेट। नॉट ओनली नैंड गेट बट देयर इज नॉर गेट, NAND gate and NOR gate both are known as universal gate because by combining only NOR gate or by combining only NOR gate, only NOR gate or only NAND gate, केवल NOR gate और केवल NAND gate को आप combine करके fundamental gates को obtain कर सकते हैं, OR gate को भी, AND gate को भी, NOR gate को भी, and that's why NAND gate and NOR gate both are known as universal gate. अगर आपके पास केवल NOR गेट है तो NOR गेट बहुत सारे NOR गेट हैं, तो NOR गेट को कंबाइन कर करके आप कोई सा भी गेट, यानी कि NAND, आप OR गेट भी ऑप्टेंड कर सकते हैं, AND गेट भी ऑप्टेंड कर सकते हैं, NOR गेट भी ऑप्टेंड कर सकते हैं, ओके। सो द रिपीटेड यूज ऑफ NAND और NOR गेट्स कैन प्रोड्यूस ऑल द थ्री बेसिक गेट्स, OR गेट, AND गेट एंड NOR गेट्स, हुज वेरियस कॉम्बिनेशन प्रोवाइड एज लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लिकेटेड डिजिटल सर्किट्स, हैंस इन डिजिटल सर्किट्स NAND और NOR गेट्स आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट्स, ओके। चलिए आगे बढ़ेंगे, ड्रॉ अ लॉजिक सिंबल ऑफ OR, नहीं OR गेट, तो ये मुश्किल नहीं है, दिस इज OR गेट, ये है OR गेट का सिंबल, दो इनपुट होता है एक आउटपुट होता है, और ऐसे इसको सिंबल से दिखाते हैं, ओके। नेक्स्ट राइट द वैल्यू ऑफ आउटपुट Y इन द गिवन सर्किट, देखो यार ये है क्या, पहले समझ लो, ये एक्चुअली में कौन सा गेट है, अगर आप इसको छोड़ दें तो ये है कौन सा गेट, दो इनपुट है एक आउटपुट है, यहां पे ऐसा गोला भी है, अगर ये गोला नहीं होता तो ये एंड गेट होता, गोला लग गया है यानी कि कौन सा गेट है, एंड गेट प्लस नॉट गेट है, यानी कौन सा गेट हो गया, नैंड गेट हो गया। और अगर आपने एक ही सिग्नल को दोनों इनपुट में भेजा है तो ये कौन सा क्या बन जाता है, ये नॉट गेट बन जाता है, यानी एक्चुअली में ये NAND गेट है जो कि NOR के जैसा बिहेव करेगा, NAND गेट है जो कि NOR के जैसा बिहेव करेगा। तो अगर आप एक भेजेंगे तो जीरो मिलेगा, जीरो भेजेंगे तो वन मिलेगा, वही तो गलता है, NOR गेट इन्वर्ट कर देता है, वन को जीरो करेगा, जीरो को वन करेगा, तो आउटपुट विल भी वन भेजा है ना, तो आउटपुट विल भी जीरो, कोई मुश्किल नहीं है। ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम फॉर द ड्यूअल इनपुट एंड गेट बाय टू डायोड्स, तो दिस इज द सर्किट डायग्राम। अच्छा उल्टा, सब उल्टा ही क्यों आ रहे हो भाई, क्या समस्या क्या है आपको, ऐसे होना है ना आपको, तो
तो ये है डायोड D1, डायोड D2, इनपुट इनपुट और आपको इधर आउटपुट मिलेगा, तो आप ये सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 5, जो कि अगर इसको आप बहुत अच्छे से डिटेल में समझने जाएंगे तो आधा घंटा तो यही ले लेगा। तो मैं इसको बहुत ही शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वीडियो का भी एक लेंथ का एक लिमिट होता है, अच्छा लिमिट नहीं है। अब एक घंटे की वीडियो बना देंगे कौन ही देखेगा, वो भी असाइनमेंट के लिए, 5 क्वेश्चन के लिए। तो मैं शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूंगा, आंसर आपको पूरा मिल जाएगा। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर यूजिंग ए सर्किट डायग्राम। तो हम लोगों को एक्सप्लेन करना है एम्पलीफायर को, ओके, कॉमन इमिटर बायस का। चलिए देखते हैं, सबसे पहले एम्पलीफायर क्या है, एम्पलीफायर क्या है, एम्पलीफाई करना। सो एम्पलीफायर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ वेरिएशन ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करेंट और पावर। समझो इधर, मान लो ये एक ऐसा कुछ इनपुट है, ये इनपुट, ओके, और जैसे कि मैं बोल रहा हूं यहां पर, आप माइक पे बोलते हैं, माइक्रोफोन से बोलते हैं, दूसरे एंड पे स्पीकर लगा है, साउंड क्या बड़ा लाउडर हो रहा है और तेज हो जा रहा है, कैसे हो जा रहा है, क्या आप चिल्ला चिल्ला के उतना साउंड प्रोड्यूस कर सकते हो क्या जितना साउंड स्पीकर से आ रहा है? नहीं, हमने वहां पर आप जो बोल रहे हैं या मैं जो बोलता हूँ या कोई भी जो बोलता है, उस सिग्नल को हम एम्पलीफाई करते हैं, यानी कि उसके एम्पलीट्यूड को हम इंक्रीज करते हैं, यानी लेकिन विदाउट चेंजिंग इट्स नेचर, नेचर में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए, यानी कि यह सिग्नल ऐसा ही रहेगा, बस ये कुछ ऐसा हो जाएगा। दिस इज एम्पलीफिकेशन, दिस इज एम्पलीफिकेशन, इंक्रीजिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ वेरिएशन ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करेंट और पावर। एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करना है विदाउट चेंजिंग इस फ्रिक्वेंसी, नेचर में चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये सिग्नल को हमने ऐसे किया है, एम्पलीट्यूड को इंक्रीज किया है, दिस इज एम्पलीफायर, ओके, दिस प्रोसेस इज एम्पलीफिकेशन, और इसके लिए जो डिवाइस यूज किया है वो एम्पलीफायर है। एंड नाउ द ट्रांजिस्टर कैन बी यूज एज अ एम्पलीफायर। तो हम लोग यहाँ पे कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर की बात करेंगे। तो अब अगर उसके वर्किंग को समझना है, अगर ट्रांजिस्टर का एज एन एम्पलीफायर आपको वर्किंग समझना है, तो सबसे पहले उसका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक समझ लीजिए। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स आप समझ जाएंगे, अगर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स अगर समझ जाएंगे तो उसके वर्किंग में समझने में कोई भी समस्या होना ही नहीं है। तो चलो देखते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या है। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, सॉरी ये मच्छर मारने की दवा नहीं थी, गलत तरीका था। ये देखिए आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में क्या करना है, ये हो जाएगा कलेक्टर करंट, जो कि MA में होता है, यानी मिली एम्पियर में, IC मिली एम्पियर, दिस इज कलेक्टर करंट। सो वी हैव टू ऑब्जर्व, वी हैव टू सी, हम लोग को ये देखना है आउटपुट में क्या देखना होता है, कि VCE कलेक्टर इमिटर वोल्टेज के साथ, कलेक्टर इमिटर वोल्टेज के साथ, अच्छा इस ग्राफ को आपको इस आंसर में इंक्लूड नहीं करना है, लेकिन अगर आपको ट्रांजिस्टर का एज एन एम्पलीफायर वर्किंग समझना है तो ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए। सो VCE कलेक्टर इमिटर वोल्टेज के साथ कलेक्टर करंट में क्या चेंज होता है, जब बेस करंट कॉन्स्टेंट होता है तो हम लोग अभी मान लो बेस करंट 20 माइक्रो मिल लेंगे बेस करंट, तो कुछ आपको ऐसा मिलेगा, आपने इसका एक्सपेरिमेंट भी किया होगा, दिस इज 20 म्यू ए, माइक्रो में है ये म्यू ए बेस करंट। तो इस पूरे इस जो ये ग्राफ प्लॉट हुआ है, यहाँ पे 20 माइक्रो ए बेस करंट कॉन्स्टेंट है, आप वी सी ई को चेंज करते हो, कलेक्टर करंट चेंज होता है। मान लो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया, सपोज ये है आपका 2 MA है, ओके 2 MA 2 माइक्रो एम्पियर। एंड नाउ वी विल इंक्रीज द बेस करंट एंड वी विल रिपीट दिस प्रोसेस अगेन। तो अब हम लोग ये प्रोसेस किस पे करेंगे, चलो 40 ले लेते हैं, तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, ओके दिस इज 40 माइक्रो एम्पियर। तो अब मान लो कि यहाँ पे जो ये करंट है, ये मान लीजिए आपको मिल गया 4 MA मिल गया, 20 के लिए 2 MA है, 40 के लिए 4 MA है, अब आगे जाएंगे तो कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा, ऐसे ही आपको कुछ प्लॉटिंग मिलती है। दिस इज आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ ट्रांजिस्टर। अगर आपको आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक क्लियर नहीं है तो फिर तो आप समझ लिए, नहीं समझ पाओगे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। आपको ये आंसर में बनाना नहीं होता है, ये हम आपको बता रहे हैं
ताकि आप इसके वर्किंग को समझ पाओ। तो देखिए हो क्या रहा है, अब आपको बता करंट गेन क्या होता है। बीटा इज इक्वल टू होता है डेल आई सी अपॉन डेल आई बी। तो यहाँ पर देखते हैं डेल आई सी कितना हो गया है, 4 - 2, 2 MA हो गया है। डेल आई बी कितना है, डेल आई बी 40 - 20, 20 म्यू ए हो गया है। तो इसमें सॉल्व करोगे 2/20, ये 10^-3 है, ये 10^-6 है, तो कितना बचेगा आपके पास, बीटा इज इक्वल टू -3 - 3 खत्म, 2/20। ओके, और यहाँ बचेगा 10^-3, तो बचेगा ही बचेगा ना, 10 यहाँ पे है तो इसको रिड्यूस कर देगा, तो बीटा को कितना मिलेगा, बीटा को मिल जाएगा 100, बीटा 100 मिलेगा ना। सॉल्व कर लीजिए, 2 से 2 - 10 और 10 ये पावर 10^-2 हो जाएगा, ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, बीटा 100 है। इसका मतलब क्या है कि डेल आई सी विल बी 100 times ऑफ डेल आई बी। ओके, एंड दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ एम्पलीफायर्स। आपका एम्पलीफायर इसी बात पे आधारित है, इसी बात पे डिपेंडेंट है। डेल आई सी इसको हमेशा ये 100 नहीं होगा, हो सकता है करंट गेन, दिस इज करंट गेन अलग अलग है। बस मैं यहां पे बता रहा हूं कि अगर करंट गेन 100 है, इसका मतलब क्या है कि अगर बेस करंट में 1 का चेंज होता है, अगर बेस करंट में 1 का चेंज होगा तो कलेक्टर करंट में 100 का चेंज होगा, अगर बेस करंट में 2 का चेंज होता है तो कलेक्टर करंट में 200 का चेंज होगा। इट मींस यू हैव टू रिमेंबर द फैक्ट एंड योर एम्पलीफायर इज बेस्ड ऑन दिस फैक्ट कि इफ देयर इज अ स्मॉल चेंज इन बेस करंट, मैं एकदम गोल्डन लाइन से बताने वाला हूं एम्पलीफायर के लिए, इफ देयर इज अ स्मॉल चेंज इन बेस करंट इट विल टेंड टू अ लार्ज चेंज इन कलेक्टर करंट। अगर बेस करंट में हल्का सा चेंज होता है तो कलेक्टर करंट में बहुत ज्यादा चेंज होगा। तो ये पॉइंट आप अपने दिमाग में रखिए, फिर आपको एम्पलीफायर को समझने में दिक्कत नहीं होगी। इफ देयर इज अ स्मॉल चेंज इन बेस करंट इट विल प्रोड्यूस अ लार्ज करंट, लार्ज चेंज इन कलेक्टर करंट। एंड नाउ ये क्या है, यही अपना है एम्पलीफायर एज। ओके, छोटा सा छोटा करने दीजिए मुझे, इसको समझिए, सर्किट डायग्राम यही है। चलिए ये सर्किट का डिस्क्रिप्शन है, आप देख के लिख लेंगे, बस बता देता हूं क्या है। दिस इज एनपीएन ट्रांजिस्टर, ओके, दिस इज एनपीएन ट्रांजिस्टर विच इज अंडर कॉमन इमीटर बायस। अब ये कॉमन इमीटर बायस में है क्योंकि इमीटर इस वाले जंक्शन में भी है, इमीटर इस वाले जंक्शन में भी है, तो ये कॉमन इमीटर बायस है। ओके, अब देखो कॉमन इमीटर, दिस इज कॉमन इमीटर एनपीएन ट्रांजिस्टर विच इज यूज्ड एज एम्पलीफायर। तो याद रखिए कि ये जो बेस और इमीटर है, बेस इमीटर जंक्शन को आप हमेशा पावर बायस में रखते हैं। बेस इमीटर जंक्शन इज अंडर फॉरवर्ड बायस विद द हेल्प ऑफ बैटरी VBB। देखो ये N है, ये P है, ये N है। P को कैसे कनेक्ट किया है, प्लस के से, N को कैसे कनेक्ट किया, माइनस से। तो याद रखिए कि बेस इमीटर को फॉरवर्ड बायस में रखते हैं और जो कलेक्टर इमीटर है ये N को कैसे कनेक्ट कर दिया है, प्लस से, और ये तो N को कैसे कनेक्ट किया, प्लस से कनेक्ट किया ना, तो ये किसमें हो जाएगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, तो रिवर्स बायस में है। तो आपको याद रखना है कि बेस इमीटर को हम लोग फॉरवर्ड बायस में रखते हैं और कलेक्टर इमीटर को रिवर्स बायस में रखते हैं। एंड नॉ द सेकंड पॉइंट, मैं आपको सर्किट का डिस्क्रिप्शन बता रहा हूं कि द सर्किट सॉरी द सिग्नल विच हैज टू बी एम्पलीफाई, जिस भी सिग्नल को आप एम्पलीफाई करना है, दैट इज अप्लाइड बिटवीन बेस एंड इमीटर। जिस भी सिग्नल को एम्पलीफाई करना है उसको बेस और इमीटर के बीच में अप्लाई करेंगे एंड वी विल गेट द आउटपुट। दो आउटपुट हमको वोल्टेज आउटपुट सिग्नल मिलेगा वो कलेक्टर और इमीटर के बीच में मिलेगा। ओके, सो दिस इज द सर्किट डिस्क्रिप्शन, यू हैव टू राइट इन योर आंसर। तो इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये वही चीजें जो मैंने अभी आपको बताई है, तो इसको आप लिख लेंगे, सर्किट डिस्क्रिप्शन है ये। अब देखते हैं कि कैसे सर जो है सिग्नल वहां पे एम्पलीफाई हो जाएगा। देखो एम्पलीफाई कहने का मतलब क्या है, पहले तो आप एम्पलीफाई का जो है मीनिंग समझ लीजिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्पलीफाई। एम्पलीफाई कहने का मतलब है, देखो अगर वोल्टेज का चेंज ऐसा है, मतलब इतना से इतना ही है बस वोल्टेज का चेंज, ओके, ऐसे सिग्नल है वोल्टेज का चेंज बस इतना ही है तो कम इंटेंस है। अगर वोल्टेज का चेंज इतना हो जाए
तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, उसके एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। तो आपको एक्चुअली में क्या करना, वोल्टेज ड्रॉप को इंक्रीज करना है, वोल्टेज के वेरिएशन को इंक्रीज करना है। एम्पलीफिकेशन का मतलब यही है कि वोल्टेज का वेरिएशन अगर पहले ऐसा था तो वोल्टेज के वेरिएशन को ऐसा कर दीजिए, वोल्टेज का वेरिएशन आपको इंक्रीज करना है बस। ओके, तो देखो क्या होगा, पहले हम लोग कुछ एक रूल लगा लेते हैं, दिस इज कलेक्टर करंट, दिस इज मीटर करंट, दिस इज बेस करंट। तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा बाय किरचॉफ्स करंट रूल, जंक्शन रूल लगा दीजिए, यहाँ पर आई सी आ रहा है, आई बी भी आ रहा है, आई ई जा रहा है, तो आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। एंड नाउ ये जो लूप है, यहाँ पे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करो, यानी किरचॉफ का जो सेकेंड रूल है वो अप्लाई करो, तो यू विल गेट वी सी ई इज इक्वल टू वी सी सी माइनस आई सी आर एल। दिस इज इक्वेशन नंबर वन, मान लीजिए वी सी ई इज इक्वल टू वी सी सी माइनस आई सी आर एल। आई सी द करेंट विच इज फ्लोइंग थ्रू दिस लोड रेजिस्टेंस आर एल। तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा आर सी एल, यही तो ओम्स लॉ है ना। वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे कितना होगा, आई इंटू आर, सो आई सी इंटू आर एल विल बी द वोल्टेज ड्रॉप इन दिस लोड रेजिस्टेंस। एंड वी सी सी द ई एम एफ ऑफ दिस बैटरी वी सी सी, सो वी सी ई, और यही आपका आउटपुट वोल्टेज है, वी सी ई इज इक्वल टू वी सी सी माइनस आई सी आर एल। एंड नाउ देखो इसके वर्किंग को समझना डोला नहीं खेल है, लेकिन आप देखेंगे बुक में लंबा चौड़ा आंसर लिखा होता है। एक्चुअली वो ये बताने के लिए है कि पॉजिटिव के लिए आपको नेगेटिव हाफ साइकिल मिलता है, नेगेटिव साइकिल मिलता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए नेगेटिव मिलता है, और नेगेटिव के लिए पॉजिटिव मिला है। फिर से पॉजिटिव के लिए जो पॉजिटिव इनपुट का हाफ साइकिल है, इनपुट सिग्नल का जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है, उसके लिए नेगेटिव मिलेगा जो आउटपुट है, और नेगेटिव के लिए आपको पॉजिटिव मिलता है। यानी कि जो इनपुट सिग्नल होगा जो आउटपुट सिग्नल होगा उनके बीच में कितने का फेज डिफरेंस है, 180 डिग्री का फेज डिफरेंस आ जाता है। इसको समझाने के लिए आपको लंबा चौड़ा वहां पर करते हैं, लेकिन अगर आपको समझने के काम कैसे करता है तो बस आपको यह पता होना चाहिए आपका वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज का फ्लक्चुएशन जितना ज्यादा होगा आपका सिग्नल उतना ही एम्पलीफाई हो जाएगा। तो बस आपको वोल्टेज का वेरिएशन समझना है, जो आप इस इक्वेशन से बिल्कुल आसानी से समझ पाएंगे। व्हेन द इनपुट सिग्नल वोल्टेज इज फेड टू द इमीटर बेस्ड सर्किट, जब यहां पर हम लोग इनपुट सिग्नल को अप्लाई करेंगे, इट विल चेंज द इमीटर बेस वोल्टेज। ओके, जब ये आप यहां पर इनपुट सिग्नल को अप्लाई करेंगे तो ये बेस और इमीटर वोल्टेज को चेंज कर देगा, और जब बेस इमीटर वोल्टेज चेंज होगा तो इमीटर करंट भी चेंज होगा। जब बेस और इमीटर वोल्टेज, ये इस वोल्टेज की बात हो रही है, वीबीई यही है बेस और इमीटर के बीच का वोल्टेज, जब बेस और इमीटर के बीच का वोल्टेज चेंज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा, तो इमीटर करंट चेंज होगा, और जब इमीटर करंट चेंज होगा तो कलेक्टर करंट भी चेंज होगा, विच इन टर्न विल चेंज द कलेक्टर करंट। ड्यू टू इट द कलेक्टर वोल्टेज वी सी विल वेरी इन अकॉर्डेंस विद द रिलेशन। देखो भाई वीबीई चेंज हुआ, जब आप यहाँ पे इनपुट सिग्नल को फेड करोगे तो वीबीई चेंज होगा, वीबीई चेंज होगा तो आई ई भी चेंज होगा, आई ई चेंज होगा तो आई सी भी चेंज होगा, और आई सी के चेंज होने से यहाँ से वी सी ई में भी फ्लक्चुएशन होगा, वी सी ई भी चेंज होगा। विल कै वेरी इन अकॉर्डेंस विद द रिलेशन वन, दिस वेरिएशन इन कलेक्टर वोल्टेज अपियर एज एम्पलीफाइड आउटपुट। तो पहले ही बताया आपको एम्पलीफाई करने का मतलब क्या है, पहले वेरिएशन ऐसा ऐसा हो रहा था तो अब ज्यादा वेरिएशन होगा। सो व्हेन, देखो यहां से क्या है, आई इंक्रीज, आई सी इंक्रीज, जब आई सी इंक्रीज होगा तो यहां पे वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज होगा, और जब वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज होगा तो वी सी ई का फ्लक्चुएशन भी बहुत ज्यादा होगा, डेल वी सी ई इंक्रीज हो जाएगा, और यही तो करना है, यहां पे वोल्टेज का चेंज बढ़ाना है बस आपको। और ये जो दिख रहा है आपको यहां पे लंबा चौड़ा, ये बस मैंने पहले बताया आपको, ये किसके लिए है, ये बताने के लिए फेज रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज। तो इसका एक्सिस वर्ड ले लो और लिखो आराम से, क्योंकि मैं अब इसको फिर समझाने जाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक ऑलरेडी लंबा हो चुका है। तो ये आपको लिखना है आंसर में कि फेज डिफरेंस कितने का है, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट जो भी शॉट लेना है ले सकते हैं, ठीक है। तो ये था असाइनमेंट नंबर 6, जो कि आई थिंक ये फाइनल असाइनमेंट है छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का क्लास 12 के लिए। सो आई होप
कि यहाँ पर हमने जो भी क्वेश्चन यानी असाइनमेंट के जो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और आपको उनके आंसर्स मिल गए होंगे। अगर अब भी आपके मन में कोई शंका या कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए एंड आई विल मेक वीडियोस टू क्लियर योर डाउट्स। ओके, तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियोस में, तब तक के लिए अलविदा।